नमस्कार दोस्तों दोस्तों ई श्रम कार्ड में इमरजेंसी मोबाइल नंबर कैसे ऐड करना है, यानी दोस्तों आपका ई श्रम कार्ड में इमरजेंसी मोबाइल नंबर कैसे लगाना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ई श्रम कार्ड में आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर क्यों लगाना है, क्यों ऐड करना है। दोस्तों इसका एक ही कारण है कि जो ई श्रम कार्ड है, ये कार्ड भी आपका आयुष्मान कार्ड, अटल अमृत कार्ड, हेल्थ कार्ड, जॉब कार्ड आदि जैसे कार्डों में से एक है ई श्रम कार्ड भी। तो इसलिए ये जो ई श्रम कार्ड है ये भी गवर्नमेंट का है। तो दोस्तों जितने लोगों ने श्रम कार्ड अभी तक बना है उन लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करता है या तो कोई सुविधा आ जाता है तो आपका जो ई श्रम कार्ड में नंबर लिंक है उस नंबर पे कांटेक्ट किया जाता है, या तो कांटेक्ट नंबर कुछ हो गया हो, आपका मोबाइल नंबर पे SMS नहीं आ रहा है या तो मोबाइल नंबर खो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने ई श्रम कार्ड में इमरजेंसी मोबाइल नंबर लिंक करा के रखा है, ऐड करा के रखा है, तो आपका जो इमरजेंसी मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा या तो आपसे इमरजेंसी मोबाइल नंबर से ही कांटेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए आपका जो ई श्रम कार्ड है इसमें इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर आपको ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ई श्रम कार्ड में इमरजेंसी मोबाइल नंबर को कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको आपका मोबाइल पे कोई भी एक ब्राउजर में चले जाना है, जाकि आपको टाइप करना होगा ishram.gov.in और सर्च करते ही आपका सामने ई श्रम पोर्टल का वेबसाइट ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई श्रम का नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो अपडेट में क्लिक करना है। अपडेट में क्लिक करते ही अभी आपको यहाँ पे UN नंबर, अभी आपका जो ई श्रम कार्ड का UN नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। आपका जो ई श्रम कार्ड है उस ई श्रम कार्ड में आपको 12 डिजिट का UN नंबर रहेगा, यानी 12 अंक का ई श्रम कार्ड नंबर रहेगा, वो कार्ड नंबर आपको डाल देना है। और नीचे डेट ऑफ बर्थ के जगह पे अभी आपका ई श्रम कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो उसके लिए आपको ये बॉक्स में आपको टच करना होगा, टैप करने से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कार्ड डालने के लिए अभी जो ऊपर वाला आपको 2006 का ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, 2006 में जाके आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करके आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो ईयर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। डेट ऑफ बर्थ का ईयर सेलेक्ट करने के बाद में अभी आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो मंथ सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो राइट लेफ्ट में जो आपको सिंबल दिखने को मिल रहा है इसका इस्तेमाल करके आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मंथ सेलेक्ट करने के बाद में अभी आपको कौन सा डेट है डेट में क्लिक करके सेट में क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे सेट में क्लिक करते ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ आ जाने के बाद में नीचे अभी आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड आपको ये बॉक्स में डाल के आपको जनरेट OTP में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं कैप्चा कोड डाल दिया हूँ, डालने के बाद जनरेट OTP में क्लिक करते ही अभी आपका मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, यानी आपका ई श्रम कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें OTP आ जाएगा और OTP आपको यहाँ पे एंटर करके नीचे आपको वैलिडेट में क्लिक करके OTP को वेरीफाई कर देना होगा। तो यहाँ पे वैलिडेट में क्लिक करते ही देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफाइल और उसके बाद डाउनलोड UN कार्ड, तो आपको अपडेट प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना होगा। अपडेट प्रोफाइल में क्लिक कीजिए। अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करती अभी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको येस नो दिखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे येस में क्लिक करना होगा। येस में क्लिक करती अभी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा सबसे पहले आपका जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको दिखने को मिलेगा और उसके नीचे आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर दिखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको ये जो बॉक्स है ये बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, यानी जो मोबाइल नंबर आप इमरजेंसी मोबाइल नंबर के तौर पे डालने चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना होगा ये बॉक्स में इमरजेंसी मोबाइल नंबर के जगह पे। तो यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद में अभी आपको नीचे की ओर आ जाना होगा। नीचे आने के बाद में अभी आपको देखने को मिलेगा अपडेट, तो आपको ये अपडेट में क्लिक करना होगा। अपडेट में क्लिक करते ऊपर में आपको देखने को मिलेगा फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू में क्लिक करते आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे ऊपर में बैक बटन का इस्तेमाल करके आपको बैग आ जाना है, आके आपको डाउनलोड UN कार्ड में क्लिक करना है। डाउनलोड UN कार्ड में क्लिक करते ही आपका UN कार्ड यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी चेक कर लेना होगा कि आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इमरजेंसी मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है, तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में अभी आपको ऊपर में डाउनलोड UN कार्ड में क्लिक करके आपका ई श्रम कार्ड को यानी UN कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं आपका मोबाइल पे। तो इस तरह से आपका UN कार्ड को करेक्शन करके या मोबाइल नंबर अपडेट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो भी इतना ही, फिर से बात करेंगे एक नए वीडियो पे नए इन्फॉर्मेशन।